डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें क्या कह रहा है सुनते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बात फॉर्म बात करता है वेयर वाई एंड एक्स आर एक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब हम एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते, यानी एक्स और वाई को हम अलग नहीं कर, इसका मतलब क्या हुआ, वी शुड टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, हमें क्या करना करना होगा, दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वाई वाज इन लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्स वाज इन द राइट हैंड साइड, ये सुनो। अभी हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेते थे, अब हम दोनों को लेंगे एक साथ, और हमें एक्स और वाई अलग अलग करके निकाल रहे थे, अलग नहीं हमें एक साथ करके निकालना होता है, ठीक है, इन द डेरिवेटिव एक्सरसाइज, ठीक है, ये सुनो। तो इम्प्लिसिट फॉर्म किसकी बात करती है, वेयर y एंड x कैन नॉट बी सेपरेटेड, जहाँ y और x को हम अलग नहीं कर सकते, और वी शुड टेक डेरिवेटिव, और हमें क्या करना होता है, दोनों साइड्स पर दोनों तरफ हमें डेरिवेटिव लगाना पड़ता है। y वाज इन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और x वाज इन द राइट हैंड साइड इन 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 प्रीवियस एक्सरसाइज, हम क्या लेते थे, y वाज इन लेफ्ट हैंड साइड x वाज इन राइट हैंड साइड इन प्रीवियस एक्सरसाइज क्या करते थे, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को हमें अलग ही दोनों पर ही डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड dy वाई अपॉन डी एक्स, तो कैसे करते हैं मान लो, और इसमें हमें क्या निकालना होता है, dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, फिर से एक बार करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, वाई और एक्स को हम अलग नहीं कर सकते, और दोनों को हमें एक साथ लेना होता है। वी शुड टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है, वाई वाज इन लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्स वाज इन राइट हैंड साइड इन, है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था। अब बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, पहले हमारे पास एक ही हुआ था याद है, ये वाला, ज़िंदगी बड़ी आसान थी, लेफ्ट सिर्फ एक ही पर चल रहा था, ऐसा ना। अब वो कह रहा है इधर भी होगा कुछ, और नहीं पहले इधर कुछ नहीं था, हाँ था सिर्फ एक हुआ करता, ऐसा ना। इस बार हमने क्या कर दिया, बोलो ना बेटे, दोनों साइड में दे दिया, ये सुनो। तो हमें दोनों साइड को लेना होगा, तो 2 1, तो हम लोग क्या करेंगे अब, है ना, क्वेश्चन की तो पढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सुनो, है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो 2 पता है ना एस का 1 हो जाएगा, नहीं पता लगा यार, जब n ये होता था ना n x m माइनस 1, ये तो था x की पावर कितनी है, ऐसा नो 2 को अलग रखो, बचा गया 1x 1 माइनस 1 क्या होता है, जब किसी की पावर 0 हो जाती है बच्चे क्या लगते हैं, जल्दी बोलना, जब किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 नहीं आई, नहीं नहीं आई, तो 2 का 1 कैसे हुआ, फॉर्मूला तो वही है, यहाँ पर कौन सा चल रहा है, एन एक्स एन माइनस 1, जल्दी बोलो ना बेटे, बेटे बोल आ गई। अब चलो फिर क्या हुआ, फिर 3 आ गया, डेरिवेटिव किस पर निकालेंगे हम, वाई पर, है ना, वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई पर चेक करते हैं ना, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई पर निकाला हमने, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स, अभी मत कहना मैंने करा नहीं, सारे करा दिए, सुनो 2 प्लस का यहाँ 2 किसका हो गया बेटा, तो कॉस एक्स माइनस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3 मल्टीप्लाई 3 वाई कैसे, यानी इम्प्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, आप बताओ कैसे, आ गया जल्दी लिखो, चलो लिखा लो बेटा, सारा कहीं बेटा ध्यान रखना, जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है आप ऐसी समझे, क्योंकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लिसन, जब भी मैथ पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो, मैथ क्या कुछ भी पढ़ती हो, उसके चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रो होता है, जरूर पढ़ा करो, उससे ना चैप्टर समय में आता है। अभी पूरी एक्सरसाइज इस बेस पर है, जहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना होता है, इससे पहले नहीं था लेफ्ट साइड, ये सुन।
और हमें दोनों साइड डेरिवेटिव लेना पड़ता है और वाई को हम अलग नहीं कर सकते। ये सुन लो, पहले वाई का डेरिवेटिव लेते थे याद है, इस वाई को अलग कर दिया करते थे याद है, इसका याद है, याद करते हैं वाई को तोड़ते थे, ब्रेक करते थे एक्स, है ना, याद है, उस लिमिट तक करते थे तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता था या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ ऐसा था। इसमें बेटा क्या है देखो, वाई को हम इसको अलग नहीं कर सकते, यानी वाई और एक्स को क्या रहेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में रहेंगे। देखो भैया क्यों हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में रखा, क्योंकि इम्प्लिसिट फॉर्म कहती है वी कैन नॉट सेपरेट वाई विद एक्स, कैसे क्लियर, आगे बढ़े और डी वाई एक्स निकालना है। 2x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू साइन वाई है, फिर वही तरीका, x का क्या हो गया, जब भी कोई वैल्यू लिखा कुछ नहीं लिखा हो, हमेशा क्या होता है वो सिर्फ x लिखा तो क्या हो गया, एन एक्स एन माइनस वन, या तो ये समय आ गया मन कैसे आया। अच्छा अब y का क्या हुआ, फिर इस y का डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सुन लो इज इक्वल टू क्या था, कॉस y का क्या हो गया, साइन y का कॉस y, ठीक है, तो ये मेरे को थ्री का आंसर, इसमें थ्री हमें थ्री लिखना मिल गया, ठीक है बेटा, मैं थ्री लिखूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा यहाँ भी वहाँ ज़्यादा वाई है वहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, पहले वाई था यहाँ रखना, एक्स था तो हमने लिया, कैसे ली, हमें वाई पर चेक करना है, तो हमने कॉस एक्स साइन एक्स से कॉस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आया, साइन वाई, तो हमें डेरिवेटिव रखना पड़ेगा, तो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सुन लो आसान है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर था, ये भी क्लियर है, कैसे हुआ, कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सुनो अब क्या होगा बेटा, इन सबको चले जाए, क्योंकि कॉमन करना है, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो भलाई क्या है, इन सबको चले जाए उधर ले जाते हैं, तो क्या हुआ, कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स, अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, बचा क्या, कॉस बाई माइनस थ्री, अब इन सबको कहाँ लाएंगे बेटा, उधर ले जाओ, तो टू से डिवाइड नहीं हो गया, कैसे रही, पहले हमें इतने का लेना पड़ेगा याद है, पहले उसको तो खोल सोल करो, हैं कितने का, तो इसका क्या हो जाएगा, टू वाई, पता है ना, क्योंकि एन एक्स एन माइनस वन, है ना, ऐसे पढ़ाओ तो स्टैंडर्ड लगता है ना बहुत, है ना, आकाश आकाश कोचिंग में पढ़ता है ना, पिटजी उटजी, है ना, एन एक्स एन माइनस वन, ये सुन लो, तो क्या हुआ, टू पहला जाएगा, तो टू वाई, और टू वाई क्या हो गया, एन हमारा टू है, टू एक्स टू माइनस वन, तो क्या हुआ, ओनली टू एक्स, ये सुनो, तो क्या हुआ, टू एक्स, यानी कहने मतलब जो भी है यहाँ वाई की टर्म में, तो टू वाई हो गया, ये सुनो डेरिवेटिव किस कर लेना है, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस वाई का क्या होता है, माइनस साइन वाई, ये सुनो, अब हमें इस वाई का भी डेरिवेटिव, ये सुनो पता लग गई, हमें किसकी लेनी है, जहाँ जहाँ वाई आएगा उसका एक्स का लेंगे, किस पर लेंगे हम, वाई, ये सुनो, ए प्लस, मैं अक्सर कन्फ्यूज होता है यार, इधर क्यों लिखा, इधर क्यों लिखा, यहाँ तो एक्स को ख़त्म ही कर दिया फिर खत्म हो गया तो लगे कैसे, ये सुन लो, तो हाँ जहाँ वाई आया वहीं रख देना है कॉस, अच्छा एक्स तो नहीं लेते ना, वाई पे लेंगे, ठीक है, तो हो गया बेटा टू वाई, और फिर हमें क्या करना, फिर कन्फ्यूज आती है कि जब टू वाई लिख दे तो क्यों लिया, वाई तो आ गया इसमें, इस वाई का लेना है डी अपॉन डी एक्स साइन वाई डी अपॉन डी एक्स, ये सुन लो, तो ए प्लस क्या हुआ, टू बी वाई, बी है ना पहले वेरिएबल आएगा ना, टू बी वाई, है ना, तो ठीक, कोफिशियंट बी और फिर वेरिएबल है ना वाई, फिर वाई के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉस माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अब कॉमन कर लेते हैं, इजी है, भलाई किसमें बेटा, इन सबको कहाँ ले आओ, उधर ले आए, तो कुछ इस फॉर्म आ गई, दोनों में कॉमन माइनस है, साइन वाई प्लस टू बी वाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब क्या हुआ, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो भलाई किसमें, ए के नीचे डिवाइड कर दो, ये सुन लो कैसे लिख, कंप्लीट आसान है, तो एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टेन एक्स प्लस वाई, ये सुन लो, देखो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, वाई का ना, तो देखो दोनों लगे हुए हम और हम इसे सेपरेट कर नहीं सकते, ऐसे बोला उसने, तो ये सुन लो, तो हमें दोनों को क्या रखा हमने, एक्स वाई डी वाई, अच्छा ये पूरा वाई मान दिया इसको, नहीं आई समझो मेरी बात, उसने बोला है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते अगर चिपके हुए लगे एक्स वाई साथ में, तो हमने क्या हुआ, पूरा डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे एक्स चला गया प्लस टू वाई हो गया, फिर वाई का भी लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सुन लो, टेन का एक्स बताया था डेरिवेटिव क्या, सेक का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी, यहाँ तक आ गई बेटा। अच्छा अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें डेरिवेटिव किसमें चाहिए बेटा, बोलो
हमें सबसे पहले इस x को अलग कर ही नहीं सकते भाई, जैसे साहब बोला इम्प्लिसिट फॉर्म क्या कहती है, x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, आ गया कि जो x और y है इनको अलग नहीं करोगे, ये सुनो, तो हमें क्या करना होगा, y को भी लाना पड़ेगा इधर, क्या करना होगा, और x का क्या होगा, वन आ गया ना भाई, फिर हमें इस y का भी डेरिवेटिव निकालना है, नहीं समझे, नहीं समझी, जैसे हमने 2y लिया तो इस y का भी अलग से लिया ना, ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको x को क्या मानो, कोई भी मानो, तो वन आया, वन बाई, ये सुनो, फिर हमें क्या करना हो, इस y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कैसे ली, डी बाई अपॉन, जब इस y का डेरिवेटिव ले तो ये क्या है, इसका x एक तरह का कोफिशियंट हो गया, ये मानना चाहो, इसको साइड रखना नहीं आया, पहले हमने x का, इस y का डेरिवेटिव लिया क्योंकि हमारे पास x का तो ले, पहले तो हमें x का लेना पड़ेगा, हैं x का लिया तो x का y के साथ चल चला गया, फिर y अपना अकेला भी चला गया, लेकिन y को उसने बोला x से अलग नहीं कर सकते, एक्स वाई कैन नॉट बी सेपरेट, इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो मैं x को भी रखा, आ रहा है ना बेसिक, वही तो चीज़ें याद रखना, फिर क्या हुआ, हमने 2y लिखा, फिर हमें डी वाई अपॉन डी, यहाँ तो ईजी था, ये तो आगे, अब निकालो कॉमन कॉमन, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई, तो तुम्हें डी वाई डी एक्स एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, सुनो, तो हमें पता ही इसमें है कि हम क्या करें बच्चे, इस y को और इस sec को इधर ले आते हैं, और इन दोनों को कहाँ ले आते हैं, इन दोनों को उठाते हैं और इधर ले आते हैं, ये सुनो, तो इसको कहाँ ले गए, sec को हम इधर, y माइनस sec का स्क्वायर, और इन दोनों को कहाँ ले गए बेटा, उधर, तो dy वाई अपॉन डी एक्स था ही इधर, ये किसका था, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस, अब बताओ ये क्यों किया कि हमें dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना, ये सुनो, तो y माइनस sec का स्क्वायर x dy वाई अपॉन डी एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस टू वाई, विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इधर हमने उसको डिवाइड कर दिया बेटा इससे, तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस सेक का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस सेक का स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस टू वाई, कैसे रही, आया बेटा, शाबाश, आ गया, चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो कोचिंग सेंटर है या घर में पढ़ाती हैं, घरेलू दीदी है ना, चलो ठीक, देखो बच्चे अगला फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या कहता है, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, देखो भाई ये एक्स वाई तो अलग होने का नहीं है, याद है, लेकिन हम कुछ तरीका ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या था, कहाँ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये सुनो, एक्स का होगा 2x पता ही है, एक्स वाई हो गया वाई वन वाई, क्योंकि एक्स वन बन जाएगा पता है ना, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ना, वन माने बस जीरो पता है, वन हो गया, वाई प्लस वाई का स्क्वायर, हाँ हाँ पर पहले वाई का भी लेंगे, इसका इस एक्स वाई में अभी हमने किसका लिया, अभी हमने तो, हाँ फिर इसका भी लेंगे वाई का भी, तो क्या वो एक्स हटेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा प्लस टू वाई, फिर वाई का भी लेंगे, कैसे भी, यानी जब भी कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए तो दो बार चलता है भाई, ऐसी फॉर्म आ जाए तो वो कहता है भाई दो बार तोड़ो मैं, इजिकल टू क्या है, 100 है भाई वो तो, मैं हाँ 100 कॉन्स्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि डेरिवेटिव में लेना पड़ता है, तो जीरो हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़े, तो हमने क्या हुआ, तो हमने किया कुछ, क्या किया, टू एक्स प्लस वाई ये तो आ गई, इसको ऐसे छोड़ दो, अब इनको सबको दे ले तो बन गए सारे, बहुत ईजी था, इन सबको दे ले आए, दोनों प्लस माइनस के हो गए, दोनों में कॉमन, अंदर माइनस टू वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों जाएंगे उधर डिवाइड हो गए, लो भाई पहले माइनस कॉमन ले लो, ले सकते हैं, मैंने नहीं लिखा तो क्या करूँ बेटा, हैं नीचे लिख दिया, माइनस निकाल लो बाहर और लो टू वाई प्लस एक्स, खुश, लो ये मैंने यहाँ कर दिया बाद में, हैप्पी, टू एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस बाहर गया टू वाई माइनस प्लस एक्स, कैसे रही, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, देखो मैंने दो बार लिख दिया इस बात को, टू एक्स प्लस वाई माइनस टू वाई प्लस एक्स, अच्छा पहले एक्स लिख देते हैं क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म है ना, अच्छा लग रहा है वैसे दोनों सही हैं, और क्योंकि एन सी आर टी ऐसे लिख रही है, ये सुनो प्लस माइनस, ये सुनो चलिए पूछो, है ना,
अब आया भाई, अब तो इजी है, बहुत अच्छा आसान ही लग रहा। सारे नहीं आएंगे, जब भी ऐसा है दो वाला लेना पड़ता है ना बेटा, जब भी एक्स वाई आ जाता है तो दो वाला लेनी पड़ती है डेरिवेटिव, याद है? पहले एक्स की वाई, पहले एक्स की वाई के साथ लो, फिर वाई को अलग से लो। ये सो ना, ये तो ठीक है। हाँ, हाउ आर यू? गुड। आई थिंक योर मदर एक्सपेक्ट यू सो मच, एंड आई थिंक यू आर द हर। विश, यू आर ऑल विश, एंड यू हैव टू फुलफिल हर विश, समझे? सो आई होप आई यू शुड डू एंड नॉट टू डू इफ दोज थिंग विच सी विल डू मिस, समझे? हाँ, एंड यू आर हिज। आगे बढ़े, तो ये होता है बेटा। अब बढ़ते हैं बेटा, सिक्स क्वेश्चन हो गया हमारा, सिक्स हुआ। चलिए, अब कहता है एक्स क्यू थी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यू इक्वल टू 81। जिंदगी बड़ी आसान चल रही है अभी, अभी देखते हैं क्या होता है। थे एक्स स्क्वायर कैसे को पता है? हाँ, पहले एक्स स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं, तो दो बार लेंगे, याद है? पहले 2xy हो गया, फिर अकेला y का आएगा। ये सुन लो, पहले हमने किसका लिया, जब कह रहा है कि एक्स वाई सेपरेट नहीं हो सकते भाई, पहले क्या किया 2xy, पता ही nx n माइनस 1, 2xy प्लस यानी nx यानी n 2x n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये आ गया। फिर इस y को अलग करो, लेकिन y को अलग नहीं कर सकते हम, हमें एक्स स्क्वायर को साथ में रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स हो गया प्लस, फिर आ गया एक और वाई, एक्स वाई का स्क्वायर, फिर एक्स का वन हो जाएगा, वाई का रहेगा। फिर वो कह रहा है, फिर लिखो एक्स को अलग रखो, लेकिन अलग कर नहीं सकते, फिर क्या होगा? टू वाई, टू वाई भी तो है, वाई के ऊपर टू है, पहले इसको टू सोल्व करो, तो ये है ना एक्स एन वाइज वन, तो टू वाई, फिर वाई का फिर अलग से लो। कैसे लिखो? ये सुनो, 81 हो गया आपका जीरो। क्यों है 81? 81 आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, और हम डेरिवेटिव डेरिवेटिव खेल रहे हैं, तो हम इसको नहीं कर सकते। सुनो, और भी कुछ थी? हाँ, एक और थी 3y, फिर 3y का स्क्वायर, फिर इसमें सिंपल सा था क्योंकि x है ही नहीं, अकेला है ना। ध्यान में, जब भी पावर हो तो पहले पावर सोल्व करनी पड़ती है, वो जो एन एक्स एन वाई वन चलता है हमेशा, पता है ना? फिर डीवाई अपॉन डी एक्स चल रही है, अब चलो फिर निकालो कॉमन सारे। तो यहाँ पर बचा गया 3x का स्क्वायर, 2xy, सारे वाई वाई खेचलो, और एक वाई कहाँ था, एक तो ये हो गया वाई, 2xy, एक वाई ये हो गया, और कुछ हो सकता है? नहीं, बस ये थे, बाकी तो इसके साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सबको तो ले जाते हैं, पहले डी एक्स वाले सारे तो ले जाओ, डी एक्स के साथ वाले, तो एक्स स्क्वायर प्लस का था ये वाला, उधर गया एक, तो ये वाला गया आपका, है ना? हाँ, एक गया आपका, एक तो गया आपका ये वाला, ये वाला एक गया आपका उधर, ये वाला, है ना? और एक जाएगा आपका ये वाला, खसरी। तो ये सारे माइनस के हो गए, माइनस माइनस माइनस, अब इनमें ढूंढो कॉमन, डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस निकाल लो, फायदे में सारे प्लस हो जाएंगे। यहाँ बचा एक्स का स्क्वायर, ये आपका एक्स का स्क्वायर बचा, यहाँ बचा आपका प्लस का 2xy, और यहाँ पे बचा प्लस का 3xy का स्क्वायर। ये सुनो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, कैसे रही? यस, कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा? 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। हाँ बेटा, डीवाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तक आती है, आती है, जाती है, आती है ना? फिर क्या होता है बेटा? 3x का स्क्वायर, अब इन सबको कहाँ ले आएंगे हम? ये सब जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे गया यहाँ पर, फिर क्या हुआ? हाँ जी, आ गया, बस बचा गया। अच्छा, इसने इसने अपने माइनस को उसको दे दिया कि भाई अब माइनस नहीं रखेंगे, तुम ले लो, हैं? और इनने माइनस का कबूल कर लिया। ठीक है, कंप्लीट। तो बाजार लग रहा है, शुक्र कर रहे हैं लोग। हम बात करने हैं क्या? नहीं।
हाँ बेटा लिखो फास्ट। चलिए बेटा आगे बढ़े। बच्चा गया बेटा, एक मिनट क्यों। हाँ ये कौन सा था, छठा। दो बार खिंच गई क्या इसकी, तीन बार, चार बार। अब आया मेरे को फास्ट, चलिए एक और जाएगा सी बेटा। बस बात है बेटा, कितने हैं इसमें, बस 15 कर, कितना करते हैं आप, नवा ले, कौन सा है सातवां, बहुत इजी है अभी। 10 में से थोड़ा सा माहौल बदलेगा है ना, आगे बढ़ते हैं। तो साथ में क्या कहता है, साइन का स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई है, पाई एक नंबर है इसलिए जीरो जाएगा, तो सुनो खत्म। फिर क्या कहता है, ये तो हो गया टू साइन वाई, फिर अच्छा साइन का, साइन वाई का स्क्वायर, समझ में आ रही है। तो पहले में क्या लेना है, टू साइन वाई, पहले तो एन एक्स एन माइनस वन, तो पहले टू एन एक्स मतलब एन दो की पावर थी, और इसका क्या हुआ एक्स मतलब साइन वाई चल रहा है, ये तो है नहीं, आ गई ना एक्स की पावर, मान लो जो भी रखा उन्होंने, तो बात तो भी होती 2x n माइनस वन, और n कितना है पर 2, तो क्या हो गया 2 एक, ये हमारा n है ना, तो हमारा क्या हो गया, तो जाता आपका कितना हो जाता 2x। वैसे यहाँ पे साइन को x मानो यहाँ पर, तो क्या हुआ 2 साइन y तो चल रहा है, फिर वो कह रहा है जब भी y आएगा उसको अलग से लेंगे, ये सुन लो। अब साइन y का क्या होता है, एग्जैक्टली क्लियर। फिर भाई आ गया, छोड़ नहीं रहे तो भाई को हैं, कह रहा हम फिर लेंगे भाई, फिर क्या आया वाई का डिवाइड बाय डीए, कैसे रही, यानी भाई अकेले ने तकेले काम कर दिया यहाँ पर है ना। अब बात करते कोज एक्स वाई, अब वो कह रहा पहले एक्स की चाहिए हमें है ना, कोज एक्स की क्या हो गई माइनस साइन वाई। अब पूरा तो कोज एक्स, ये तो पूरा एक्स मानो ना इसको, पहले इस वैल्यू को पूरा क्या मानोगे एक्स, कोज एक्स का माइनस साइन वाई। अब भाई इसके अंदर वाई आ गया, फिर वाई का भी लेना पड़ेगा, लेकिन y का मतलब ये पूरा लेना पड़ेगा, अकेला हो नहीं सकता, कह रहे हटा नहीं सकते उसको, तो क्या लेंगे हम डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स, अभी और बाद में करते हैं ये सुनो। भाई किसी ने बड़ी क्वेश्चन तो बनाई है, ये क्वेश्चन ना दिमाग लगा बैठा होगा भाई भाई आगे वाले वालों को, भाई पता है उसका क्या होता हुआ, वो बड़ा परेशान हो गया दुनियादारी, उसने कहा छोड़ पता लगे ये सुन ना, फिर उसने बनाया क्वेश्चन, आप वह बता देते हैं उनसे, ये रियल लाइफ में आते होंगे बेटा कहीं काम आते हैं, मुझे तो लगता आते होंगे, ये कहाँ काम आती होगी भाई, प्लस माइनस ही आते हैं, दुनिया में कोई भी इंजीनियर प्लस माइनस का टेबल लेके बैठता हो कैलकुलेटर मेरे, देखो वो भाई डेरिवेटिव लगा रहा है पढ़ाई पर बनाने में और डेरिवेटिव बना कर लेबर को पकड़ा दी पता ना सारे पढ़ाई पर कूद गए नहीं आया है, चलो बढ़िया है या, ये बढ़िया अच्छा चलो। तो क्या हुआ, ये तो समझ आता है, तो अच्छा यहाँ तक ये हो गया था बेटा ना, कौन सा वाला, ये भी हो गया था, नीचे वाला नहीं हुआ अच्छा, तो हमें क्या करना है फिर टू साइन वाई। अच्छा पता है ना साइन क्या करता है, बोलो हाँ, टू साइन वाई कॉस वाई क्या होता है बताओ ना, साइन टू वाई आइडेंटिटी है ना, याद है टू साइन वाई कॉस वाई क्या होता है साइन टू वाई, और बचा क्या वाई का भी लेंगे हम अलग से, और ये वाई है ना आपकी, क्या है नहीं आई, तो आइडेंटिटी बन गई टू साइन वाई कॉस वाई इजिकल टू साइन टू वाई, ये सुनो। तो हमने आइडेंटिटी यहाँ रख दी इसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, अंदर क्या चल रहा था, फिर हमें क्या करना पड़ेगा साइन एक्स वाई, अब वो कह रहा है साइन एक्स वाई, फिर हमें क्या करना होगा बोलो ना, वाई का भी लेना पड़ेगा प्लस वाई को अब क्या करना होगा अलग रखना होगा, ये सुनो साइन एक्स वाई है ना, तो हमने साइन एक्स वाई लिया डायरेक्ट निकाला,
तो क्या बचा अब? साइन एक्स वाई क्यों लगा? क्योंकि उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें, है ना? वन दिखाई दे रहा, बोलो वन दिख रहा है, जीरो वन हो जाता है। तो यहाँ बताओ यहाँ पे क्यों लिख दिया, बोलो। माइनस साइन एक्स वाई हम अलग कर नहीं सकते, बोलो ना। तुम किसका लेंगे? इसका, इसका वाई आ गया, इसका पहले एक्स का लिया फिर वाई का, ये सुनो। तो जहाँ पर जैसे ही हमने साइन एक्स वाई हो गया पहले, समझो ना, हमने साइन एक्स वाई हो गया तो हमने किसका लिया पहले? एक्स का लिया पहले, हमने साइन एक्स वाई पूरा लिख दिया, फिर हमने किसका लिया? एक्स का लिया। तो साइन एक्स यानी एक्स हमारा क्या है? एक्स का लिया। साइन एक्स का तो आ गया माइनस साइन एक्स वाई, ये पूरा एक्स मानो, माइनस साइन एक्स वाई यानी ये एक्स है पूरा। फिर हमने किसका लेना है? एक्स का, यानी एक्स और वाई को अलग कर नहीं सकते। तो एक्स का क्या हुआ? अकेला हमें वन हुआ ना, एन एक्स एन माइनस वन। और जब भी कोई अकेला वेरिएबल लिखा उसे हम वन मान देते, सिर्फ वाई को छोड़कर। वन हो गया, वाई आ गया प्लस, अब आ गया ना, अब हमें क्या करना है? हमें दोबारा इसका लेना है। अब इसका क्या आएगा? एक्स बाहर निकालो और डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं समझ में आई? पहले हम इसका एक्स का लेंगे, एक्स को क्योंकि ले नहीं सकते वाई का लेना है, तो एक्स बाहर निकाल डी वाई अपॉन, ये सुनो। अब क्या आया? साइन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस क्या हुआ ये? हाँ बेटा बताओ, वाई है ना ये, वाई का से क्या हो रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो ना इससे पूरे का, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इसका, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हुआ? वाई साइन एक्स वाई, फिर वाई का से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, ये सुन लो। आप निकाल लो इन दोनों में कॉमन, साइन टू वाई डी वाई इधर भी है और एक काम करो, अभी नहीं कर सकते आप, पहले एक को निकाल दो उधर फिर लेना कॉमन। हम इसको क्या, इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं? इधर ले जाते हैं, ये सुनो। तो ये वाई साइन एक्स वाई हो गया, अब बचे कौन कौन से? ये वाले और ये वाले, ये सुनो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों का कॉमन निकाल दिया, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये सुनो। डी वाई अपॉन डी एक्स वाई साइन एक्स वाई, बोलो ना, आ गई आपके बच्चा? आप दोनों को नीचे ले जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, कैसे रही? आप बताओ, आसान है ना? आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।